था। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है, जब आप अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाते हैं परमेश्वर चमत्कार करता है यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, जाए जाए, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट, अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो। अमृतसर चर्च, अमृतसर ब्रांच, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही लेंगे, शाबाश, जल्दी जल्दी। हाँ प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है 20 साल से इस बहन को बवासीर की प्रॉब्लम थी, बहुत ट्रीटमेंट करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और इस ये बहन बता रही है कि आपने इनका नाम मालो देवी लेकर या आप इनको बुलाया था और इनके लिए ले हैंड की थी और ये इन्होंने स्पेशल बीज बोकर भी ले हैंड करवाई। ये बहन बता रही है 20 साल का जो बवासीर था तू अमर का हो चुका। ओ मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोलदा, ओ मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोल, ओ मेरी हार्ट बीट ते बोलो यीशु मसीह की। तू गा तो रहा है, इससे तो पूछ ले इसकी हार्ट बीट पे किसका नाम बोलता है, किसका, तेरे पति का? यीशु मसीह के। यीशु मसीह के, यीशु मसीह के। कहां से आई बता, गवाही क्या? हां पापा जी के जय मसीह की, सारी कलीसिया के जय मसीह की। मेरी गवाही यही है कि मैं 20 साल से परेशान थे दूसरी आत्मा से और बवासीर से, बहुत परेशान थे कि मेरे को कभी भी चंगाई नहीं मिलता था। जब पापा के यहाँ पर आए तो पापा जी ले हैंड किए और भविष्यवाणी किए थे बुला के, तब से मैं फिरी हूँ, हर छुटकारा पा लिया हूँ हर रोग से। हालेलुया। कितने लोग देख रहे थे, वो दो औरतें आई थी आगे, वही माला है ना, यहाँ पर देखा था आपने, जब मैंने दो औरतें इस लेफ्ट साइड में आई थी और ऐसे करके गिर गई थी दोनों, और यही है वो औरत आज गवाही के साथ आई है। इसका मतलब कि ये भविष्यवाणियां सच्ची हैं कि नहीं, कह रहे हैं ये प्रॉफिट सच्चा है कि नहीं, नहीं यीशु मसीह सच्चा है, बोलो हालेलुया। ये आप समझना है, ये परमेश्वर की ओर से आपके सामने देख रहे हैं आप के बवासीर का प्रॉब्लम था और जैसे ही कहा आज आजाद होगी यीशु मसीह के नाम में। ले हैंड प्रे किया था इसके लिए, अपने पड़ोसी के हाथ मिला, बोलो तू भी ले हैंड प्रे करा ले, गुस्से में बोलो इसको तू भी ले हैंड प्रे करा ले। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर जिसको कोई बवासीर है, पथरी है, रसोली है, कैंसर है, शुगर है, पवित्र आत्मा मेरे हाथ के ऊपर से चंगाई मिलने पाए इनको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं चर्च, हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाओ, जल्दी से अपने हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाओ, तारीफ करो। हाँ 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 हाँ, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। हाँ 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 हाँ, नेक्स्ट गवाही लेंगे जलंधर और इसका फाजिल का ब्रांच का, इसका कैमरा सही कर नहीं तो इसके थप्पड़ लगा दो। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे हैं कि बहू की शादी को 10 साल हो गए थे, उसके पास कोई भी बच्चा नहीं था और वो बच्चे के लिए बहुत परेशान थे। डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इनकी बहू कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। ये बहन जब विश्वास के साथ इस चर्च में आई और यहाँ से प्रोफेसी को रिसीव किया, ये बहन बता रही कि 10 साल के बाद इनकी बहू के दो ट्विंस बच्चे हुए हैं, एक बेटा और एक बेटी के साथ इनकी बहू ब्लेस हो चुकी है। हालेलुया, मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की। ये परमेश्वर है, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पर हर संडे चर्च में विजिट करने के लिए आते हैं, विजिट करने के लिए आते हो कि नहीं, विजिट करने आते हो, घूमने आते हो, जो लोग यहाँ पर चर्च में कर आराधना करने के लिए आते हैं, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर उनके कामों को खोलेगा इस संडे यीशु मसीह के नाम में। देखो हाँ हाँ बताएंगे, शाबाश। कहाँ से आई बहन? मैं पंजाब से आई हूँ। मैं भी पंजाब से आया हूँ। पंजाब में कहाँ से आई है? पंजाब मॉडल टाउन। मॉडल टाउन से आई है, जलंधर से? हाँ जी। तो मैंने 2020 में मिट्टी लेके गए थे यहाँ से, तो मैंने 2020 में मिट्टी ले गए थे, लेकिन मैंने बहू को बोला जी, मैंने बोला ये आप यूज करना है, इससे प्रभु मसीह विश्वास करके तो आपको ये जरूर आएगी, कुछ फल मिलेगी। तो सचमुच उनको फल मिला, दो बेबी हुई है, इसलिए यीशु मसीह की धन्यवाद है, यीशु मसीह दास को भी धन्यवाद है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। सुनो, आप किसको हुए ट्विंस, किसको हुए हैं? हाँ जी, अरे मतलब कि दो बच्चे किसको हुए इकट्ठे? मेरे बहू को। आपकी बहू को हुए? और कैसे हुए? यहाँ पर से कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल दिया उसको? नहीं, मिट्टी लेके गई थी मैंने यहाँ से। आपने मिट्टी लेके उसको खिला दिया यहाँ की? हाँ जी, हाँ जी। देखो यहाँ से मिट्टी लेकर गई, इसका विश्वास है कि नहीं? कह रहे कि जब नमान जब चंगा हुआ तो वो अलीशा जहाँ पर खड़ा होता था तो वो मिट्टी लेकर गया अपने देश के लिए, समझ रहे कि नहीं? अगर आप कहीं से आए हो अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जिस चर्च में मैं खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं प्रॉफिट खड़ा है, आप मिट्टी लेकर जाओ, देखो चमत्कार हो रहा है कि नहीं यीशु मसीह के नाम।
सारी मिट्टी नहीं उठाना, जरा जरा सी लेके जाना और जाकर जो प्लॉट पसंद हो डाल देना यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि अगली गवाही, अगला प्लॉट मेरा होगा चर्च। ये परमेश्वर है, दो ट्विंस बच्चे इसको दे दिए, बोलो हालेलुया। टेंशन ही खत्म होगी, एक बेटा एक बेटी। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहूं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम में इन सब गवाहियों के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है इनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं, इनके पास कोई बेबी नहीं था, एक बार कंसीव किया, मिसकैरेज हो गया, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, आप ऑनलाइन बोल रहे थे कि सोनिया बहन तेरे को आशीष मिलने के लिए जा रही है, इन्होंने रिसीव किया। ये बहन बता रही है कि इनको बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिल चुकी है। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे अच्छे दांव नु तू पैरा थल्ले। देखो सब ऊपर की ओर देखो, जिसको गवाही चाहिए बोलो आ, आपकी भी आ रही है गवाही यीशु मसीह के नाम। सारे बोल हालेलुया। जब औरतें गोल गप्पे खाती हैं और उसके बाद जब वो पानी पीती ना, तब ऐसे करती हैं पूरी खाने के बाद, कहती आ मजा आ गया, आ गया कि नहीं। मैं कह रहा हूं जब ऐसे कर रहे हैं तो ये शैतान के आज सारे हथियार फेल कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आ, कह रहा मेरी गवाही आ गई है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जितना आप मुंह से सही अंगीकार करेंगे उतनी गवाही आएगी। मैं हर संडे आपके साथ आपके मुंह से क्यों बुलवाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके बोलोगे और रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, सुनेंगे गवाही। शाबाश, कहां से आए? होशियारपुर से। जोर से बोलो, होशियारपुर पिंड हुसैनपुर। होशियारपुर से आइए। हाँ हाँ, होशियारपुर वालों सुनो ध्यान से। हाँ, सारे को जय मसीह की और पास्टर पापा जी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मेरे मैरिज को 3 साल हो गए, 2 साल के बाद पापा जी ने ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड मीटिंग देख रहे थे। पापा जी ने कहा भी सोनिया को आप सोनिया को बेटे की ब्लेसिंग मिलने जा रही है, मैंने रिसीव किया और मुझे बेटा हुआ। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। देखो कि कोई बच्चा नहीं था और परमेश्वर ने बेटे की आशीष दिया, सोनिया के नाम से प्रोफेसी किया था। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मैंने अभी देखा कि जिसके नाम एम से, एम 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 से, किस किस के नाम है हाथ उठाओ, एम से, एम से, एम से जिसके नाम है, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और चर्च में बैठे हैं, बड़े सारे लोग एम वाले आए हुए हैं। हालेलुया, सुनना ध्यान से, आपके घर में किसी की जॉब लगने वाली है यीशु मसीह के नाम, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेसिंग मिलेगा यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठाओ। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। पापा, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी बहन की गवाही बता रहे हैं कि इनकी बहन की शादी को 2 साल हो चुके थे, उनके पास कोई बेबी नहीं था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, जब ये चर्च में आए इन्होंने एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर का यूज किया, 2 साल के बाद इनकी बहन बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। देखो आप सुन रहे हैं, लाइन लगी हुई है बेटों की, इकट्ठी गवाही दे दिया करो, अगर इकट्ठे होते हैं तो इकट्ठी गवाही दिया कर फटाफट। ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, कहाँ से आई बहन? मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। सुन रहे, दिमाग सभी का जय मसीह की। प्रोफेसर जी जय मसीह की। मेरी गवाही है, आपने 2019 से प्रोफेसी की थी, अभी जिनके पास बेबी नहीं है वो रिसीव कीजिए, तो मैंने अपनी सिस्टर के लिए रिसीव किया था उस टाइम पर, तो उसके बाद 2 साल बाद बेबी ब्लेसिंग बॉय के साथ ब्लेस किया प्रभु ने, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ओ मेरी हार्ट बीट दे यीशु का नाम बोल, ओ मेरी हार्ट बीट दे यीशु का नाम बोल, बोलो यीशु मसीह की। देखो जिसके घर में औलाद नहीं है उसी को पता है खुशी क्या होती है, होती है कि नहीं? जो दवाई खा खा कर थक गए, बच्चा नहीं हो रहा, उसी को पता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आप हाथ उठाओगे, जो लोग दुखी होंगे, परेशान होंगे, आप जिसको सुसमाचार सुनाओगे, आपके द्वारा एक टेस्टमनी बनेगी यीशु मसीह के नाम में, आपके द्वारा टेस्टमनी बनेगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे हैं इनको पिछले 12 साल से इनकी यूट्रस में पानी वाली रसौली थी, जिससे बहन बहुत परेशान थे, डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर ने ऑपरेट बोल दिया था। ये बहन जब विश्वास के साथ इस चर्च में आए, यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया और आपसे स्पेशल लेहेंड प्रेयर करवाई, वो 12 साल की यूट्रस में जो रसौलियां थी वो धुआं बनके उड़ चुकी है। हालेलुया, खोटे दुखरा बना दिया यीशु मसीह की।
देखो जिसको प्रॉब्लम होती है उसी को पता है, बच्चेदानी में रसोलियां पानी वाली और ऑपरेशन लिख दिया गया, लेकिन आपके सामने है। जब इसने ले हैंड प्रे कराया, प्रोफेसी को रिसीव किया, चमत्कार हुआ। सुनेंगे बहन के मुंह से गवाही। हाँ शाबाश प्रॉफिट जी, नू जय मसीह दी, सारी कलीसिया नू जय मसीह दी। मेरा नाम मनप्रीता, मैं धारीवाल गुरदासपुर तो आई हाँ। मेरे 2010 तो यूटरस के विच पानी वाली रसौलियाँ सी, मैं 5-6 साल मेडिसिन खाधी पर कोई भी फर्क नहीं पिया। अक्टूबर मंथ में मैं इतों प्रॉफिट जी तो स्पैशल ले हैंड प्रेयर करवाई सी, दैन जो मैं 1 मंथ बाद रिपोर्ट करवाई तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। मैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह ते प्रभु दे दास प्रॉफिट जी नू दिनी आ। हालेलुया, दीवानी हो गई मैं, यीशु दी दीवानी हो गई मैं, यीशु दी दीवानी हो गई। बोलो यीशु मसीह की। ये बहन कह रही है कि मुझे बेबी नहीं है। कितने साल हो गए शादी को? 12 साल। सारे बोले हालेलुया। हाँ जी बेटे की आशीष दिला दें इसको। नहीं नहीं नहीं, ले हैंड प्रे कराएगी फिर नहीं। सारे बोले हालेलुया। बोलो हालेलुया, आशीष दे दें इसको आज। चलो फिर हाथ बढ़ाओ इसकी तरफ। देखो 12 साल हो गए इसको, बच्चा नहीं है, और आपके सामने लाइव कर रहा हूं। देखो पिछले साल सितंबर में ले एंड प्रे कराई और गवाही के साथ आई, आई कि नहीं? रिपोर्टें इसके साथ है, रिपोर्टें खोल और रिपोर्ट है पूरी। देखो आपके सामने है यहां पर कि पानी वाली रसोलियां गायब हो गई हैं और अब इसको बच्चे की आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। इसको विश्वास है कि जब मेरी टेस्टमनी यहां से बनी है तो नेक्स्ट टेस्टमनी भी यहां से बनेगी, बनेगी कि नहीं? तो आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर काम करेगा। अब अलाबा शबला बाबा लबा शबला बाबा लबा शबला बा आ रा 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 टच आ जीसस। छोड़ दे, बच्चा नहीं होने दे रहा इसको। बच्चा नहीं होने दे रहा इसको, नहीं होने देगा, नहीं नहीं होने देगा। आप इसको बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। छोड़ दे इसको, चल छोड़ दे इसको। 12 साल से छिपी हुई गंदी आत्माओं, चलो निकल जाओ, निकल जाओ। आउट फायर प्रेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और इसी समय इसके घर पर आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और प्रभु इसको बेटे की आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूँ और इसके गर्भ से निकल जाओ गंदी आत्माओं, मैं तुम्हें बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये ने पूरे साल के लिए तुझे बांध दिया यीशु मसीह के नाम में, और ये गर्भवती होगी अब यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं क्या कह रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा चमत्कार कर रहा है, चमत्कार कर रहा है परमेश्वर का आत्मा, और छू रहा है यीशु मसीह के नाम में, और जिसमें ये प्रभु का अनुग्रह फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। स्टैंड अप, स्टैंड अप बेटे, स्टैंड अप। अब से परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करेगा, समझ रहे कि नहीं? तुझे सिर्फ सुखविंदर के लिए दुआ करना है, कोई सुखजिंदर के लिए, और 3 दिन लगातार करना, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मेरी हार्ट बीट दे यीशु का नाम बोल, ओ मेरी हार्ट बीट दे यीशु का नाम बोल। हालेलुया। पापा इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, ये बहन अपनी बेटी की गवाही बता रहे हैं कि इनकी बेटी का 9 साल से गुप्त स्थान में रसोलियां थी, जब ये आपने स्पेशल अपॉइंटमेंट ली उसके बाद वो रसोलियां धुआं बनकर उड़ चुकी है। और इनकी दूसरी बड़ी गवाही है, ये 3 साल से घर लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे, जब ये चर्च में आए आप प्रोफेसी कर रहे थे जो घर लेना चाहते वो घर ले पा रहे हैं, इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया, 3 साल के बाद घर की आशीष मिल चुकी है। अपने अपने पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो सरदार जी पगड़े पाओ, सरदार जी पगड़ा पाओ। हालेलुया। के नचने नु दिल करदा, के नचने नु दिल करदा। देखो छोटी बात
बात नहीं है, ये पानी वाली रसोली गायब हो गई जब इसने अपॉइंटमेंट लिया। इसका मतलब क्या है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, ले हैंड प्रे कराना चाहते हैं, मिट्टी खाना चाहते हैं, कुछ तो करो, कुछ तो करो, आप कुछ भी करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, जो आपको विश्वास लगता है वो काम करके देखो, जो यहाँ पर बताया जाता है वो करो, और परमेश्वर आपकी गवाही संडे जरूर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये नेक्स्ट वीक आपके लिए टेस्ट मनी भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, सुनेंगे शाबाश गवाही। हाँ अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो शर्म कर। देखो बब्बर शेर आया कि नहीं साढ़े चर्च बीच, आया बब्बर शेर भाई साहब, ऐसा नारा तो मैंने सुना ही नहीं आज तक, ऐसे मिलती है आशीष, मिलती है कि नहीं? एक बार और सुना दो सरदार जी, एक बार ही बस, बोलो बोलो। हाँ मैं कह रहा हूं, जब नारा लगाया यरियो की नगरी में, और उसी समय योशू ने जब कहा और वो दीवार गिर गई। हालेलुया, याद रखना, हालेलुया का नारा लगाने वालों की समस्या की दीवार गिरेगी आज यीशु मसीह के नाम में। कर्जे की दीवार गिरेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ वो बीमारियों की दीवार गिर जाए यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि वो पथरी रसोली कैंसर की दीवार गिरे, वो असफलता की दीवार गिरे, के वो शराब की दीवार गिरे यीशु मसीह के नाम में। हर जादू टोना, हर काले जादू की दीवार गिरे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में अब से। हाँ हाँ हाँ, गवाही के साथ। पापा जी नू जैम सिंह जी, सारी कलीसिया नू जैम सिंह जी, असीं जी पहला 3 साल तो किराए के मकानों के रेंदे सीगे, साढ़े कोई मकान नहीं सीगा जी, तो असीं मकान बनाना चाहते सी। पापा जी नाल अपॉइंटमेंट की स्पैशल, तो फिर उन्होंने कहा भी तुसीं मकान बनाने शुरू करो, तुहानू बापू जल्दी तो जल्दी ब्लैसिंग देंगे। तो असी फिर जल्दी तो जल्दी मकान बनाने शुरू किए, साढ़े को पैसे भी बहुत थोड़े जे सीगे जी, तो उस तो बाद साढ़े मकान कंप्लीट हो चुके हैं। 3-2 मंजिली कोठी प्रभु ने सानू दी है जी, तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता जी। चलो लियो मेरी मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैं जी अपने एक दोस्त को गड्डी लै के दी सी, अपने अपने ना दे उत्ते लोन दे उत्ते, ते गड्डी 5 लाख दी सीगी, ते पहला दे 2 साल दिंदा रहा अपने पैसे दिंदा रहा किस्तां, उस तो बाद उन्हें किस्तां देनियां बंद करतियां, जो बंद करतियां ते मैनू लैटर आने शुरू हो गए, कदी पुलिस दा ते कदी कचहरियों दा कदी किते, मैं बहुत तंग हो गया, बहुत परेशान हो गया जी। ते फिर असी पापा जी दे नाल मतलब गलबात की, इन्होंने ले एंड कराई, ते उस तो बाद इन्होंने मतलब साड़ी प्रोफेसी भी की, वीरवार वाले दिन रात में इन्होंने साडा नाम लैके प्रोफेसी की कि गुलजार सिंह सवेरे तुहाडा केस फाइल होने जा रहा। जो सवेरे 9 बजे 9:30 बजे तो मैनू बैंक के विचों फोन आ गया कि भाई साहब तुसी जल्दी तो जल्दी बैंक के विच पहुँच जाओ गड्डी वाले बंदे नू नाल लैके। असी उन्होंने लैके पहुँच गए, तो साडा 2 घंटे के विच सारा उन्होंने केस क्लियर करता। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता। हालेलुया, मैं यीशु का दीवाना हो गया, मैं यीशु का दीवाना हो गया, हाय मैं यीशु का दीवाना हो गया। बोलो यीशु मसीह की जय। मैंने तो यार सरदार जी अपनी वोटी का दीवाना लग रहा है। चलो जाओ शाबाश, तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, अपने हाथों को उठाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट गवाही के साथ शाबाश। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, फाजिल का चर्च अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा इस चर्च को इसी समय ब्लेस कर। जो फाजिल का चर्च में खड़े हैं, याद रखना कि प्रभु आपकी टेस्टमनी बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिल रही है और आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस चर्च में इसी समय मिराकल मनी होने स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। जिसके भी टांगों में दर्द है जाए यीशु मसीह के नाम में, पथरियां रसोलियां कैंसर शुगर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को हिलाओ शाबाश, परमेश्वर का आत्मा छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन।
मैं कह रहा हूँ फाजिलका चर्च आपके चर्च में जो लोग यहाँ पर हमारी ब्रांच में खड़े हैं फाजिलका ब्रांच में, जैसे ही आपने पैर रखा है, मैं कह रहा हूँ कि किसी के घर में कोई केस चल रहा है दहेज का, कोई घर में प्रॉब्लम चल रही है आपकी फैमिली में, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कोई खड़े हैं कोई कोर्ट केस से कोई जूझ रहे, परमेश्वर गुड न्यूज देने वाला यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, गवाही के साथ शाबाश, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो गवाही के साथ। हाँ यस, ये बहन बता रही फ्रिजर में है, 11 साल से दौरे पड़ते थे पापा, और लास्ट संडे प्रोसेसिंग कर रहे थे, जिनका दौरा पड़ता है फिर पड़ते हैं उसे आसान होने के लिए जा रहे हैं, इस बहन ने प्रोसेसिंग और सीम किया और 11 साल से फिर से आसान हो चुके हैं और सारी महिमा परमेश्वर का देते हैं। बोलो यीशु मसीह की। देखो मैं कह रहा हूँ कि फिट्स दौरे पड़ते थे और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, शाबाश। ये बहन बता रही है 4 साल का सर्वाइकल था और लास्ट संडे प्रोफेसिंग कर रहे थे, जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम जा रही है, इस बहन ने रिसीव किया और 4 साल के सर्वाइकल तो आजाद हो चुके हैं और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, शाबाश शाबाश, परमेश्वर छुए आपको, बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ नेक्स्ट, कॉल आ गया फाजिल का ब्रांच में। हाँ हाँ भाई, हाँ चूमते हुए अपने हाथों को उठाते हुए। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा बजा रहा है, तो सुनो एक संडे इधर भी लेके आना, इसको किराया दे देंगे सारे। हालेलुया। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, गवाही क्या गवाही बताएंगे। हाँ हालेलुया, पापा जी बहुत बड़ी गवाही है, जय फैमिली पूरी आई है उज्वला वास से। हाँ हाँ, जय पापा प्रोफेसी कर रहे थे आपकी सरकार आने वाली है और मसीह लोगों की। हाँ हाँ, जिस बहन ने रिसीव किया और सच मुझे जला वास इनकी सरकार आ चुकी है और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। के नचणे नु दिल करदा, के नचणे नु दिल करदा। हाँ, तुम्हारा कैंडिडेट जीत गया है मुझे पता है, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। सुनो मुझे पता है, सुनो सुनो, बोलो हालेलुया। बंद करो थोड़ी देर ये झाड़ू चलाना, सुनो ध्यान से, मुझे पता है तुम्हारी सरकार, तुम्हारी मतलब कि तुम्हारा कैंडिडेट। शाबाश शाबाश शाबाश, ये बहन बता रही है कि प्रोफेसी किया था मैंने इनकी कि आपका कैंडिडेट जीत जाएगा और वो कैंडिडेट जीत गया है। आज ये गवाही के साथ आए हैं एमएलए, जाओ अब वो तुम्हारे इलाके में तुम्हारे मोहल्ले में गवर्नमेंट जॉब भी लगवाएगा तुम्हारे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसमें फाजिल का चर्च पूरा हाथ उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर घुमा दे कैमरा और इसमें प्रभु सारे चर्च को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष को ब्लेसिंग दे। सरदार जी जो खड़े हैं मेरे सामने, सरदार जी और इसमें आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आप अपने अपने बच्चों अपने परिवार की जो चिंता कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि गुड न्यूज मिलेगा, वो इन्फेक्शन खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके घर में गवाहियां बननी स्टार्ट होंगी आज से यीशु मसीह के नाम में। आप देखोगे पवित्र आत्मा काम करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ जो कुड़ी के लिए जो लड़की के लिए तू परेशान है, अपने परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसी समय सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में, और वो इस बार कनाडा का वीजा लगेगा यीशु मसीह के नाम में। तैयारी कर सरदार जी यीशु मसीह के नाम में, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। हाँ हाँ हाँ, जलंधर चर्च, जलंधर चर्च आशीष मिलेगी। हाँ हाँ प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है, ये बहन बता रही है कि इनका भाई पिछले 2.5 साल से कनाडा जाने के लिए अप्लाई कर रहा था लेकिन रिफ्यूजल लग रही थी, इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया। ये बहन बता रही है कि 2.5 साल के बाद इनके ब्रदर का कनाडा का वीजा मिल चुका है। ओए मजा 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 मजा
बोलो यीशु मसीह की। हाँ हाँ सुनेंगे, शाबाश। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ, अपनी भाई की गवाही बता रही हूँ। 2.5 साल से कनाडा के लिए ट्राई कर रहे थे बट नहीं हो पा रहा था, कभी फाइनेंसिस की वजह से और कभी कुछ और की वजह से। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ऑनलाइन प्रोफेसी सुना, लाइव मीटिंग में भी अटेंड किया और सुना कि आर नाम वालों का वीज़ा आने जा रहा है। फिर भी विश्वास पूरा था बट फिर भी थोड़ा लेट हो रहा था। तो एक दिन वैसे प्रार्थना कर रही थी, तो प्रार्थना करते करते मैं रात को प्रार्थना करके सो गई और सुबह 4 बजे पास्टर जी मेरे सपने में आए और मुझे, मैं परेशान थी और मेरे गले लग के बोले कि क्या बात है। तो मैंने बताया कि अपने भाई के वीज़ा के लिए परेशान हूँ और घर की आशीष के लिए परेशान हूँ। तो उसी दिन रात को 10 बजे मेरे भाई के वीजा की मेल आ चुकी है। देखो के नचने नु दिल करदा, के नचने नु यीशु मसीह की। हाँ, ये कनाडा का वीजा आया हुआ है, इसको अच्छे से दिखा स्क्रीन पर और परमेश्वर का आत्मा छुए और बरकत दे। देखो, देख रहे हो कितने लोग देख रहे हैं। खोल उसको मोबाइल को, उसकी लाइट बढ़ा, मोबाइल की लाइट इतनी है, तुम अपने फेस की तो लाइट बढ़ाते हो, मोबाइल की भी बढ़ाओ। सारे बोले हालेलुया। फेस की लाइट पता कैसे बढ़ती है? फेयर एंड लवली लगाकर। ध्यान सुनो, इसको आपको सुनना है ध्यान से कि ये बहन बता रही है कि कनाडा का वीजे की इसकी प्रोफेसी थी, रिसीव किया इसने, लेकिन फिर जब लेट हो गया तो इसको ड्रीम्स में प्रभु ने मेरे को दिखाया। इसका मतलब जब आप देखते हैं प्रॉफिट को ड्रीम्स में तो आप मेरे को नहीं, स्वर्गदूतों को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो ये स्वर्गदूत इसके ड्रीम में आए और इसको कहा कि तू क्यों परेशान है, अपॉइंटमेंट दिया इसको। इसका मतलब इसने खर्चा बचा लिया अपॉइंटमेंट का, और सपने में आजकल लोग अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर पादरी को भेज दे, अपॉइंटमेंट दे दे, हालेलुया। नहीं, अपने हाथों को उठाऊं, मैं कह रहा हूं देखो जैसे इसकी गवाही आई है, इस संडे एंजल आएंगे आपके ड्रीम्स में यीशु मसीह के नाम में, एंजल आएंगे ड्रीम्स में यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल, जाओ जाओ जाओ, आदेश देता हूं यीशु मसीह के नाम में, और इनके कामों को बनाओ जितने विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज छुटकारे की शाम है यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। प्रॉफिट जी, इन सभी की बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन को पिछले 3 साल से, इस बहन को 2 साल से, उस बहन के पास 8 साल से कोई भी बच्चा नहीं था। बहुत ट्राई की बट नहीं हो पा रहा था। जब इस चर्च में आए, यहाँ से विश्वास के साथ जब इन्होंने ऑयल वाटर लेके गए और अपने ऊपर अप्लाई किया, इस बहन को 3 साल के बाद, इस बहन को 2 साल के बाद और इस बहन को 8 साल के बाद बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिल चुकी है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाऊं कि मैं भी किसी को सुसमाचार सुनाऊंगा जाकर, जिसके पास बच्चे नहीं है उसको जाकर बताऊं, उसको फोन लगाओ, अपने रिश्तेदारों को अपने फोन उठा लो आज घर जाकर, और विश्वास से उसको बताओ कि जो काम नहीं बनता वो ताजपुर चर्च में बनता है। जाओ यीशु मसीह के नाम में, डोलो यीशु मसीह की। देखो आपके सामने है कि 10 साल 8 साल 2 साल है, 3 साल 2 साल और इधर 8 साल। इधर जा, अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह का नाम। यहाँ खड़ा हो जा, और इसी समय ये परमेश्वर है। देखो कहाँ से आए आप? बोगपुर, हाँ, फिरोजपुर, हाँ हाँ, नेक्स्ट झारखंड से, झारखंड से, नेक्स्ट अमृतसर से, अमृतसर से आए, और आपके सामने ही मैं ये आपको 20वीं गवाही सुना रहा हूँ कि जिनके पास बच्चे नहीं थे, सुना आपने 10 साल 25 साल वाला भी आया, ट्विंस भी आए, और आप देख रहे हैं 8 साल 10 साल 15 साल 3 साल आपने आज गवाहियां सुनी है। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ कि जिनके पास औलाद नहीं है आ जाना मेरे चर्च में, ब्लेसिंग मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से अपने हाथों को उठाओ, जाए जाए, शाबाश शाबाश शाबाश, तारीफ करो जोर से। ये परमेश्वर है, आज इनके बच्चों को आशीष मिले। हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट। प्रोफेट जी, बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है पिछले 3 सालों से इनके रीढ़ की हड्डी में टीबी की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, अब और इन्होंने चर्च में आकर अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, ये बहन नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुकी है। जीसस, ओ मेरी हार्ट बीट दे यीशु का नाम। बोलो बोलो बोलो, हां हां, गवाही सुनेंगे शाबाश। हां सारे, हम जय मसीह दी, पापा जी को जय मसीह, और वाटर तो और मैं यूज नहीं कीता, प्रार्थना सुन दे नाल ही मैं ठीक हो गई,
यूट्यूब ते ऑनलाइन देख दी सी यूट्यूब पर ऑनलाइन देख रही थी टीवी का प्रॉब्लम था और आज रिपोर्ट के साथ आई है एनोइंटिंग वाटर ऑयल लिया था कोई हां जी मैं कुछ भी नहीं बरतया इसने कुछ नहीं बरतया और इसने प्रार्थना कराई और परमेश्वर ने इसने ऑनलाइन रिसीव किया भविष्यवाणी को और आज गवाही के साथ हैं। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जाएं जाएं शाबाश। नेक्स्ट अपने हाथों को उठाओ। पापा इस बहनों की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनको 4 मंथ से ये बहन बता रही है कि 4 साल से बचेदानी में रसौलियां थी। जब ये चर्च में आए और प्रोफेसी कर रहे थे वो रसौलियां धुआं बंद करने के लिए जा रही है। डॉक्टर से ऑपरेशन बोल दिया था। जब ये चर्च में वो रसौलियां धुआं बंद कर उठ चुकी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। देखो आपके सामने आपने कितनी गवाहियां सुनी आज। 10 गवाहियां आप सुन चुके हैं और अभी 2 गवाहियां और यहाँ पर हैं कि रसोलियां थी बच्चेदानी में। मैं कह रहा हूँ कि रसोलियां कई बार कैंसर का जन्म लेती हैं यूट्रस के अंदर। कितनी औरतों को पता ये बात, लेकिन ये परमेश्वर है। जब आप यहाँ से अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया लोगों ने और प्रार्थना को रिसीव किया, आज गवाही के साथ आई है यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ सुनेंगे। कहाँ से आई बहन, कहाँ से आए? जम्मू से आए। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। पापा जी मुझे बच्चेदानी में रसोलियाँ थी बहुत, दोनों रसोलियाँ चली गई, मैं प्रवासी करवाई थी, दोनों चली गई। प्रोफेसर अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो ये बहन कह रही है कि इसको दोनों बच्चेदानी में रसोलियां थी दो दो, और जैसे ही इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया जम्मू से आई और इसने प्रोफेसी पर विश्वास किया, रिसीव किया और आज आजाद है बिल्कुल यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ नेक्स्ट। कहाँ से आए आप? पठानकोट से। कब से थी बच्चेदानी में रसोलियाँ? 4 साल। 4 साल से बच्चेदानी में रसोलियाँ थी और इसने भी प्रोफेसी को रिसीव किया और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। कहाँ से आए आप? पठानकोट से। बताओ गवाही दो ना फटाफट। हाँ पठानकोट से। कैसे ठीक हुए बेटे आप बताओ? मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया। प्रोफेसी को रिसीव किया और आज ये बहन बता रही है कि रिपोर्ट के साथ है। 4 साल की जो रसोलियां थी, ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने, ऑपरेशन नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने क्या बताया था? ऑपरेशन बताया। मेडिसिन लेती थी ज्यादा हो रही थी, मतलब मेडिसिन लेते तो रसोली और बढ़ रही थी। और ये बहन बता रही है कि जैसे ही इसने प्रोफेसी को रिसीव किया, सच में परमेश्वर जिंदा है यीशु मसीह के नाम में है कि नहीं चर्च? अपने हाथों को उठाओ और देखो आपके सामने है कि बता रही है बहन के ऑपरेशन कैंसल हो गया, रिपोर्ट के साथ आई पठानकोट से। मैं कह रहा हूँ पठानकोट वालों, जलंधर वालों, गुरदासपुर वालों, लुधियाने वालों, अमृतसर वालों हाथ उठा लो, राजपुरा फाजिलका लुधियाने वालों हाथ उठा लो, इसी समय कपूरथले वाले हाथ उठा लो, परमेश्वर का आत्मा ऑनलाइन चर्च वाले हाथ उठाओ, इसी समय रसोलियां बाहर, कथरियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, यूरिक एसिड जाए, फिट्स पड़ने बंद हो, दौरे बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, कर्जे के शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय माइग्रेन जाए यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा कमर का दर्द, टांगों का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है, आप लोग अगले हफ्ते में चंगाई की रिपोर्ट के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूँ जो लोग देखो ऑनलाइन भी रिसीव करने के बाद गवाही देने के लिए आते हैं, मैं कह रहा हूँ उनके घर में दोबारा वो समस्या नहीं होने वाली। नहीं तो लोगों को पता है कह रहा पथरियाँ दोबारा हो जाती हैं ऑपरेशन कराने के बाद, रसोलियाँ हो जाती हैं, लेकिन जब आप गवाही देते हैं आप उस जड़ से ख़त्म कर देते हैं उस बीमारी को यीशु मसीह के नाम में। इसलिए गवाही देना जरूरी है, या फिर आपका गवाही टेबल पर लिखवाना और खड़े होना जरूरी है यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये सभी भाई बोल रहे, किसी को 25 साल से, किसी को 15 साल से और कोई 12 साल से नशा कर रहा था, हर प्रकार का नशा करते थे और आपने प्रोफेसी की जो नशा करते हैं वो आजाद होने के लिए जा रहे, उन्होंने रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को यूज किया, ये सब बता रहे नशे से आजाद हो चुके हैं। देखो परमेश्वर आजाद करते है कि नहीं? हाँ जी, कितनी बहनें बीड़ी पीती हैं यहाँ पे हाथ उठाओ, 1-2 है, परमेश्वर छुटकारा दे इनको। हाँ खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, घबरा मत, खड़ी हो जा, जल्दी कर, अरे आजाद हो जाएगी आज बेटे, खड़ी हो जा, शाबाश, अरे उठ जा मेरी बब्बा, उठ जा उठ जा, देखो हाँ शाबाश, ताड़ी बजा दो इनके लिए, उठ जा उठ जा, वो देखो पीछे भी है, पीछे भी है, 5, 4, 6, 7, शाबाश शाबाश, कैमरा कर इधर, कैमरा कर, शाबाश, बीड़ी 1, बीड़ी नंबर 2, बीड़ी नंबर 3, बीड़ी नंबर 4, बीड़ी नंबर 5, बीड़ी नंबर, ओ पीछे भी भाई साहब, ओ पीले सूट वाली, तू भी बीड़ी पीती है? हाँ खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो, छत्ती कर, बीड़ी छूट देगी, जल्दी कर,
शर्मा रही, खड़ी नहीं हो रही थी, है शाबाश शाबाश, कोई बात नहीं। बीड़ी नंबर सात, अपने अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पर हाथ रख लो। जो नशे करते हैं आपके पति, आपके बच्चे, अगर कोई नशा करते हैं किसी प्रकार का और आपसे नहीं छूट रहा, तू भी नशा करता है, तेरे बच्चा उधर वॉलंटियर बन गया साठा, अपने सिर पे हाथ रखो, शाबाश। जिसको कोई नशे की गंदी लत लगी हुई है और कोई लग रहा है ऐसे कि नहीं छूट रही है, ये दो हाथ मत रख, इसका मतलब तंग आ गई मेरे से, एक हाथ रख। आबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो स्क्रीन पर जो चर्च में खड़े हैं, इसी समय नशे की गंदी आत्मा इनके ऊपर से जय यीशु मसीह के नाम में, आज से परमेश्वर इनके घरों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। और इसी समय मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों के लिए जो लोग नशे छोड़ते हैं ना, उनके घर में उस दिन से जॉब आना स्टार्ट होगी। आप अपने बच्चों के लिए आते हो चर्च में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नशा छूटता नहीं है, छोड़ना पड़ता है, टारगेट रखना पड़ता है अपनी जिंदगी के अंदर एक, कि मुझे आशीष पानी है, समझ रहे कि नहीं। दिल तो हमारा भी करता था किसी जमाने में सिगरेट पीने का, मेरा डैडी बैठा है यहाँ पर, मैं साफ बोल रहा हूँ, करता था किसी जमाने में शराब पीने का, बियर पीने का, लेकिन जब से यीशु मसीह को जान लिया, उससे मांगा और परमेश्वर ने हमारी स्पिरिट में ताकत दी है, दिया है कि नहीं। इसका मतलब आप मांगते नहीं है, आप मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे शराब छोड़ने की ताकत दे, बीड़ी सिगरेट छोड़ने की ताकत दे। परमेश्वर आज आपके हाथों पर ताकत, मैं इसी समय उन एंजल को बोलता हूँ कि इनके हाथों पर ताकत दे यीशु मसीह के नाम में, आपके हाथों पर ताकत आएगी। चर्च आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। नेक्स्ट है, ऊपर करो सब, अपने अपने ऊपर करो, शाबाश, जल्दी से ऊपर करो अपनी, हाँ हाँ हाँ, अपनी पोजीशन ले कैमरामैन। हाँ हाँ, क्या बीमारी तेरे को? आ जा, तेरा पाज नहीं लगता, मैं तेरा सामने आ जा। देखो हाँ, बोलो बोलो, गवाही दे, शाबाश, गवाही ले फटाफट, हाँ जल्दी से, शाबाश, गवाही देंगे। हाँ हाँ, हालेलुया, प्रॉफिट जी इन सब की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे हैं, इनको पिछले दो साल से, इस भाई को दस साल से, और इस बहन को तीन साल से स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम थी, जिसे सभी बहुत परेशान थे। जब ये विश्वास के साथ इस चर्च में आए, यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लेके गए और सोप को जब यूज किया, इस भाई की दो साल की, इस भाई की दस साल की और इस बहन की तीन साल की स्किन एलर्जी से ये सभी आज फ्री हो चुके हैं। हालेलुया, देंगे शमा, सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरी तीन साल से एलर्जी, स्किन एलर्जी थी, मैंने एनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लगाई, फिर मैं आजाद हो चुकी। हालेलुया, 10 साल के स्किन एलर्जी से आजाद हो चुका। हाँ हाँ, ये एलर्जी कब से थी आपको? सौंप लगाया और चुप चुप सौंप लगाया इन्होंने। मैं कह रहा हूँ कि जिसको स्किन एलर्जी है, कई बार कैंसर हो जाता है स्किन एलर्जी से, लेकिन इन्होंने सौंप लगाया, अनॉइंटिंग सौंप, अंजीर की टिकिया, और जब हिजकिया ने वो टिकिया लगाई, उसका फोड़ा टूट गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं जा रही एलर्जी, ये मैंने प्रार्थना की है उस पर, आप लगाओ उसको, पत्ते लेकर प्रार्थना की हुई है, और वो मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसका रिजल्ट दिया है, कैंसर, शुगर। मैं कह रहा हूँ कि एलर्जी गांठें रसोलियाँ होती हैं, जब वो लोगों की टेस्टमनी आती है मेरे पास, जब वो लगाते हैं उनकी चंगाई स्वर्ग से रिलीज होती है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, फिर से छूट जाओ यीशु मसीह के नाम में, आमीन बोलकर अपनी बीमारियों से। हालेलुया, पापा इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन को डेढ़ साल से बच्चेदानी में कैंसर वाली रसौली थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, जब ये चर्च में है आपने बोला कि तीन दिन बीज बो, आपको गुड न्यूज मिलने के लिए जा रही है, इन्होंने बीज बोया, वो डेढ़ साल की कैंसर वाली रसौली धुआं बनकर उठ चुकी है। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से आए? पापा जी नु जय मसीह दी, सारे कलेसिया नु जय मसीह दी। असी पट्टी शहर तो आए पापा जी, ते मेरे डेढ़ साल तो ब्लड बड़ा पैंदा सीगा। की प्रॉब्लम सी बच्चेदानी च? बच्चेदानी दे विच ना रसौली खून वाली सी ते कैंसर बन गई सी। हां हां, मेरी लुधियाने वाली भैन कहंदी किसे डॉक्टर को ना जाओ, बड़ा पैसा लग गया, तुसी ताजपुर चर्च चल जाओ ते जां लैब देखी जाओ। मैं जिन्ना चिर लैब देखना मैं ठीक रहना, फिर मैनू जिदन मेरा सुन लो, जिन्ना चिर लैब देखोगे ठीक रहोगे, जिन्ना चिर नहीं देखोगे ठीक नहीं रहोगे। हां पापा जी, उस तो बाद ना मेरा बेटा 14-15 साल दा मैनू फड़ फुड़ के लेके आया, मेरी आप पिछली साइड सारी गली पई सी किरना लग लग के, जदों मैं बहन लगी ना उन्हें मैनू बहा ते दिता बड़ी मुश्किल, पर मेरी चीख निकली जदों मैं इतों चर्च चो घर जा रही ही ना, वो ऑटोमेटिक जख्म जड़े हैं ठीक हो चुके हैं। जीजा बोलो यीशु मसीह की।
एक मेरे नाल ना साडे भैन जी आए आ, साडे भाजी दलजीत मांड जी आए आ। आ जाओ आ जाओ दलजीत मांड जी आ जाओ तुसी। ते एना नु मैं लेके आई आ भी मैं उठो बची तुसी भैन जी उठे ही चलो। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और देखो ये परमेश्वर का आत्मा है और छूता है और आजाद करता है। आपके सामने अभी सुना करे तीन दिन लगातार बीज बोया और आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर आप गवाहियां देख रहे हैं, ये बहुत सारे लोग ऊपर करो शाबाश। देखो तीन दिन लगातार बीज बोया, किसी को बिजनेस में ब्लेसिंग मिला 14 महीने से जो रुका हुआ था, और देखो पंख आए किसी को, और मैं कह रहा हूँ किसी के घर में जिसके पंख और कॉइन आए वो बता रहे हैं, किसी को जॉब लगी है, किसी कोई कोई प्रेग्नेंट होगी और इसके घर में कह रहे कि ब्लेसिंग आई, इसके घर में भी पंख आए और इसी समय कह रहे कि वो दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए। जब पंख गिरे कह रहे कर्जा उतर गया, और देखो कह रहे पंख गिरे कह रहे हॉस्पिटल में से पेशेंट है हॉस्पिटल के अंदर है? हाँ हाँ देखो हाँ उठाऊ शाबाश शाबाश। देखो ये वेंटिलेटर पर थे, इधर दिखा, ये आदमी वेंटिलेटर पर था, जवाब दे दिया डॉक्टरों ने और अब आपके सामने खड़ा है। हाँ, इसी समय ध्यान से सुनना है, कैमरे में आवाज आती है, चुप हो जा 2 मिनट। जेएमसी दी सारी क्लीसियानो, जेएमसी दी पापा जी, पापा जी मेरे हस्बैंड नु 3 महीनों तो प्रॉब्लम सी, लत च इन्फेक्शन फैल गया सी। कैमरामैन क्या कर रहा तू? लत च इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया है, बॉडी च पानी भर गया सी, ओदे कारण इन्हां नु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, किडनियां भी डेड हो गई सी, लिवर भी काम नहीं कर रहा सी, और इन्हां दा हार्ट भी 15% काम कर रहा सी, और पापा जी का मैंने ऑयल लगाया, चंडीगढ़ में सिस्टर रहती है, इन्हें मेरे को ऑयल भेजा कि सिस्टर जी टेंशन ना ले, मैं ऑयल भेज रही हूँ, और इसने ऑयल भेजा, मैं मेरे को डॉक्टरों ने बोला कि कुछ नहीं हो सकता इसका, 24 घंटे वेट करेंगे, और मैंने विश्वास करके पापा जी का ऑयल प्रेयर ऑयल इसके मुंह में डाल दिया, और रात ही रात में इनको होश आ गया और पानी बॉडी में सारा सूख गया, अभी इसके वीकनेस है, वीकनेस से तुरा नहीं जा रहा। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। देखो देखो आपके सामने खड़े रहो, सामने देखो ये वेंटिलेटर पर है, और स्क्रीन दिखा शाबाश, मोबाइल दिखा, और ये देखो देख रहे हैं आप, और इधर देखो इस आदमी को, अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, शाबाश, चल के दिखा शाबाश, चलो 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 चलो, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। फुल कर दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगड़े भी दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे, बोलो यीशु मसीह की। हाँ हाँ जाओ जाओ शाबाश, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाऊं शाबाश। हाँ हाँ सबकी गवाहियां एक साथ ले रहा हूं मैं। हाँ करणदीप अमृतसर से आया, और खोल कर रखो उसको, किसी 10 साल से ट्राई कर रहे थे कुवैत में जाने के लिए और वो ऑफर लेटर नहीं आ रहा था, और ये भाई ने जैसे ही ले हैंड प्रे कराया। हाँ ले हैंड प्रे कराया आपने, इस भाई ने ले हैंड प्रे कराया और परमेश्वर ने इसको कुवैत में करे के वो ऑफर लेटर दे दिया, परमेश्वर आशीष दे, अब ये जल्दी जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से, किसी को पंख मिले मैं कह रहा हूँ, स्किन एलर्जी गई, गाड़ी की ब्लेसिंग मिली, घर की ब्लेसिंग मिली, 6 साल से बवासीर थी, जैसे ही पंख आए और इसी समय इसकी बवासीर गायब हो गई यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं, कहाँ से आए आप? कोलकाता से। कोलकाता से आई है और बवासीर बिल्कुल चली गई, कोलकाता चर्च में जाएगी, सारे काम बन जाएंगे। तारीफ करो जोर से, खुशदीप अमृतसर से, 10 साल से प्रॉपर्टी का केस चल रहा था आपका, 10 साल से प्रॉपर्टी का केस चल रहा था इनका। हाँ जी पापा। हाँ हाँ, और 7 मंथ से मैरिज की प्रॉब्लम हो रही थी और पाइल्स की प्रॉब्लम थी इनको, मम्मी को बवासीर की प्रॉब्लम था, जब आपने भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट लिया, अपॉइंटमेंट लिया 24 अगस्त को, 24 अगस्त को अपॉइंटमेंट लिया इस बहन ने, और ये बहन बता रही है आज कि परमेश्वर ने इसको छू लिया और आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम में, वो बवासीर बिल्कुल गायब हो चुकी, शादी हो गई है और परमेश्वर वो कह रहे थे आपको छोड़ देना है, तो आपने प्रोफेसी किया था जब अपॉइंटमेंट लिया कि आपको 3 महीने रुकना है, केस नहीं करना, और वो आपके आगे पीछे फिरेंगे, और 3 महीने बाद वो मेरे को ले गए हैं और मेरे को दुबई, स्क्रीन चेंज कर, हस्बैंड मेरे दुबई लेने को भी मान गए हैं और मेरे सारे मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जैसे मैं उनकी बेटी हूं। सारे बोलो हालेलुया। देखो आपके सामने ये बहन बता रही है कि इसका पति इसको छोड़ना चाहता था, प्रॉब्लम चल रही थी घर में, बड़ी ज्यादा टेंशन थी, बेचारी रो रही है, अमृतसर से मेरे पास आई थी, अपॉइंटमेंट लिया इसने, और मैंने इसको कहा कि अपनी मम्मी को बोलो, परिवार को बोलो कि कोई केस नहीं करना, 3 महीने रुको, मेरी प्रार्थना काम करेगी अब से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ विश्वास करो,
तीन महीने रुको, जिनको विश्वास नहीं है मेरी प्रार्थना काम करेगी, तीन महीने में रिजल्ट आएगा आपका यीशु मसीह के नाम में। और पाइल चली गई और आजाद होगी याद यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी की मैरिज हुआ, किसी को बच्चे की आशीष मिला, कोर्ट केस की आशीष, कोर्ट से आजाद हो गई, केस छूट गया, एलसीडी की किसी को आशीष मिली, किसी को गैस सिलेंडर मिला, किसी के मिराकल मनी हुई, और किसी के गले में इन्फेक्शन था, गिल्टियां थी, रसौलियां थी, आजाद हो गए, बटाला से आई आजाद होगी। मैं देख रहा हूँ कि प्रोफेसी को रिसीव किया, ब्लेसिंग मिली, कोविड था, और ये अमृतसर से आई पूजा बहन, इसका कोविड बिल्कुल ठीक हो गया, कोरोना इसकी बहन का बिल्कुल चला गया, और दो साल से इनकी बेटी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, प्रेग्नेंट होगी। कहाँ से आई तू? वरिंदर लुधियाना से, परमेश्वर ने आशीष दिया। अपनी सीधी करो, सीधे करो, सीधे करो, मिराकल मनी, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। और इस समय किसी को बिजनेस की ब्लेसिंग मिली, और इस भाई को 50,000 की ब्लेसिंग मिली, तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कैसे फंसे हुए थे? देखो आपके सामने कह रहे हैं कि एम वालों को मिराकल मनी हो रही है और इसके 50,000 रुपए अगले दिन अकाउंट में आ गए। तारीफ करो यीशु के नाम में जोर से। 47 ईयर से प्रॉब्लम था गले में, आजाद होगी। जमीन का झगड़ा था, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। वीजा लग गया रंजीत कौर का, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने आशीष दिया, रंजीत सिंह का वीजा लग गया, परमेश्वर आपको छुए, अपने सिर पे हाथ रखो सब, शाबाश। और पवित्र आत्मा छुए मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा सबको छू और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। देखो धनजीर को बवासीर का प्रॉब्लम था, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल गया, और आज ये बता रहे हैं कि लगातार तीन दिन बीज बोया, और कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे खड़े हैं जिन्होंने लगातार तीन दिन बीज बोया और परमेश्वर ने आजाद कर दिया बवासीर की प्रॉब्लम से, गिल्टियां, रसोलियां, किसी को घर मिला, किसी को नौकरी मिली, किसी को जॉब मिली, किसी को गाड़ी मिली, किसी की शादी हुआ, परमेश्वर ने आशीष दिया। सिर्फ इतना बताना बेटे, बवासीर चली गई। यस पापा, चली गई। यस पापा, चार साल से प्रार्थना हुआ, आप प्रोफेसी कर रहे थे कि हाँ एंटी ऑयल लगाया और ऑयल लगाया, वाटर लगाया, और बता रहा है कि भाई के बिल्कुल छूट गया अपनी बीमारी से यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पे हाथ रख लो सब, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस ऑनलाइन चर्च के लिए भी, और जो चर्च में गवाहियां दे रहे हैं इनको मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, और इसमें बरकत मिलने लगे अब से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, जिन लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा, जो लोग गवाही दे रहे हैं और जिनकी गवाही नहीं बनी, इस हफ्ते में मैं कह रहा हूं कि इसी समय पवित्र आत्मा मेरे विश्वास के अनुसार 7 एंजल भेजे इनके घर में यीशु मसीह के नाम में। जाओ 7 एंजल, उतरो यीशु मसीह के नाम में, जाओ 7 एंजल, जाओ यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, जोर से तारीफ करो, जाए जाए, शाबाश। सामने बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, यहाँ पर सामने बैठ जाओ, ग्रिल के पास, शाबाश। उधर पीछे पीछे, उधर 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 जाओ, जाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ, सुनो, कितने लोग विश्वास करते हैं कि एंजल होते हैं एंजल? 7 एंजल आज के वचन के बाद आपका इंतजार करेंगे आपके गेट पर यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करोगे कि नहीं कर रहे हो? मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उसमें आपको वीडियो में नजर नहीं आएगा शायद, लेकिन एक वीडियो बाद में देखेंगे हम। मैं इस वीरवार प्रचार कर रहा था, और प्रचार करते करते बहुत सारे लोगों ने मेरे पीछे एंजल देखे जाते हुए दो। मैं जब प्रचार कर रहा था तो कुर्सी पर बैठा, तो उसी समय मुझे महसूस हो गया मेरे पीछे कोई चल रहा है, और दो वाइट कपड़ों में एंजल, और वो कैमरे में कैद हो गए, वो निकल रहे थे मेरे पास से, और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को वायरल कर दिया कि नहीं? सारे बोले हालेलुया। और जब मैंने देखा उनको जाते हुए, तो मैंने लाइव में ऐसे करके देखा, ये कहाँ घूम रहे हैं मेरे पास? सारे बोले हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो 7 एंजल अब से तुम्हारे घर में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये मुझे बता दिया प्रभु ने, क्योंकि मैं लोगों को बोलता था कि मेरे साथ 7 स्वर्गदूत रहते हैं, तो मेरी पत्नी भी विश्वास नहीं करती थी। मैंने कहा जब तू मेरे से बिना पूछे, मैंने कहा गोलगप्पे खाने जाती है ना,
तो मैंने कहा सात एंजल रहते हैं मेरे पास, लेकिन वो कहती थी उसको क्या पता, नहीं आपको क्या पता, लेकिन अब वो वीडियो में रोज दिखाता हूँ उसको, मैंने कहा ये देख आपको सुनना है कि विश्वास करना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपको आशीष देता है जब आप इंतजार करते हैं और विश्वास करते हैं। अपने हाथों को उठाऊं और वो स्वर्गदूत उतरे आज आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। जब स्वर्गदूत आते हैं तो खाली याद नहीं आते, याद रखना क्या कर रहा तू। जब स्वर्गदूत आते हैं तो वो खाली याद नहीं आते, वो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं और वो आज कुछ ना कुछ लेकर नहीं आएंगे, कुछ देकर जाएंगे आपको यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। अपने हाथों में बीज पकड़ेंगे हम सब, शाबाश। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में आशीष दे, कितने लोग चाहते हैं आज मेरे घर में आशीष दे परमेश्वर, शाबाश। अपने हाथों को उठाऊं और परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा भी इसी समय, बरकत देगा। बीज पकड़ो अपने हाथों में, शाबाश। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग इन फास्टिंग के दिनों में जिन्होंने बीज बोया है, मैं कह रहा हूं कि आपने बोया होगा, और इसी समय मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने बीज बोया है उन लोगों को अगर बरकत मिली है ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप हर संडे बीज बोते होंगे, हर वीरवार बोते होंगे, लेकिन आज मेरे कहने से मैं कह रहा हूं कि ये 40 डेज के जो उपवास चल रहे हैं, 40 दिन के उपवास चल रहे हैं, अगर आप अग नहीं रख पाए तो कोई 3 दिन का भी रख सकता है, कोई 7 दिन के भी रख सकता है, कोई 21 दिन के भी, कोई 11 दिन के भी। इन उपवासों में परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आप बिलीव कर रहे हैं कि परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में, उन लोगों को विश्वास करना है जो लोग बीज बो रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप कहीं आकर मुझे बोलते हैं कि पापा मैं मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, कितने लोग ऐसे हैं बोलते हैं मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरा बच्चा करके के कोई अभी नौकरी नहीं लग रहा, मेरा भी काम खुल नहीं रहा है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप हर संडे अगर एक बीज बोते हैं, आप एक ही पर टिके हुए हैं, सुन रहे हैं कि नहीं। जब आप 10 का नोट बो रहे हैं, कोई 20 का बो रहा है, कोई 50 का बो रहा है, कोई 100 का बो रहा है, मैं आपको बताता हूँ, कह रहा बाइबल में लिखा जैसा बोएगा वैसा काटेगा। आपको अपना स्टैंडर्ड कह रहा ऊंचा करना है बोने का। जब आपका स्टैंडर्ड बोने का ऊंचा होगा तो परमेश्वर आपको स्टैंडर्ड जरूर बढ़ाएगा इस साल में यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूँ पिछले साल 2020 चला गया तो भी 10 का नोट था बोने के लिए, वैसे बता रहा हूँ, आप बो सकते हैं आपकी अपनी मर्जी से, लेकिन आपका स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा। पिछले साल मैं देख रहा था एक औरत को, 4 साल से देख रहा हूँ चर्च में, नाम नहीं लूंगा उसका, 4 साल से बीज बो रही है और उसे पूछता हूँ, मैंने कहा हूँ वधी के नहीं नहीं मैं उत्थे ही थे, मैं देख रहा, मैं कह तेरे मुंडे कह रही उत्थे ही नहीं जिथे सीगे, मैं तेरा घर कमरे वधे के नहीं, लेंटर पे ऊपर पिया के नहीं, कहते नहीं उत्थे ही नहीं, उत्थे ही नहीं वधे नहीं। मेरी बात समझ गया आप, परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए आया, घटाने के लिए नहीं। जब आप विश्वास में बढ़ते हैं, बीज बोने में बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको बढ़ाता है। कह रहे हैं आज भी कह रहे कि लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं, अलग अलग गाड़ियां मोबाइल आ गए हैं बड़े बड़े, लेकिन आपका स्टाइल वही है, आपने स्टाइल को चेंज करो बोने को। और उपवास के दिनों में जो लोग उत्तम बीज के साथ आते हैं, बेस्ट बीज के साथ, याद रखना दानियल की तरह बेस्ट गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। दानियल को परमेश्वर ने चुना और उसको उस गवर्नमेंट के अंदर करे के अधिकारी बनाया। मैं कह रहा हूं आपके बच्चे इस साल के अंदर ऑफिसर बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका बेस्ट बीज होगा, मैं कह रहा हूं कि बेस्ट नौकरी लगने वाली यीशु मसीह के नाम में, बेस्ट जॉब आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बेस्ट बिजनेस खुलेगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट प्रॉपर्टी को आप खरीदेंगे, बेस्ट कार को आप लेंगे। मैं कह रहा हूं बेस्ट कंट्री के अंदर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं बताता हूँ, यहाँ पर मेरे पास लोग आते हैं, कह रहे मेरा सऊदी का वीज़ा लग गया, मेरा सिंगापुर का लग गया, मलेशिया का लग गया, हांगकांग का लग गया। मैं उनकी गवाहियाँ नहीं लेता, मैं उसको बेस्ट नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि लोग वहाँ पर रहते हैं, कमा रहे हैं, आशीष मिले आपको, लेकिन कह रहे कि जब आप बड़ी कंट्री में जाते हैं तो वो बेस्ट है। जो मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज से तुम बेस्ट कंट्री में जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊँ और फिर से कहूँ कि परमेश्वर आज से मैं अपने बीज को बेस्ट करूंगा, मैं आज से बोने में आज से मजबूत हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर आज से बोऊंगा और पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष दे और तरक्की दे इस समय पवित्र आत्मा उन लोगों को। और परमेश्वर सच में मैं और मेरा घराना, बोलो मैं और मेरा घराना आज गरीबी के शराब से इसी समय आजाद हो जाए, जो मैं नहीं बना पा रहा आज से बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में।
जो मैं नहीं कर पा रहा मैं करूंगा यीशु मसीह के नाम में। करम मेरी भेंट, करम मेरा बेस्ट भेंट, मेरे से बड़े बड़े काम कराएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो मेरा बेस्ट भेंट, मेरी बेस्ट बीज, मेरा बेस्ट बोना आज से मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय अपने सिर पर हाथ रख लो, और उसी समय मैं कह रहा हूँ कि चमत्कार को आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप चमत्कार को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, जो लोग बीज बो रहे हैं वो 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना पाए। पवित्र आत्मा जी 100 गुना ब्लेसिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, 100% आशीष आने पाए, आकाश के चरोंके खुल जाए इनके लिए, अपरंपार आशीष की वर्षा हो जाए। और नाश करने वाले को गुड़क देता हूँ, जाओ इनकी संपत्ति से यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। एक बात याद रखना, बाइबल में लिखा, मैंने कल पढ़ाया वचन में, मैं फास्टिंग प्रेयर के अंदर, जो लोग चर्च में आते हैं और जो लोग ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, जब आप फास्टिंग कर रहे हैं शाम की, मैं 9 से 10 डेली प्रार्थना कर रहा हूँ, जब तक ये फास्टिंग प्रेयर खत्म नहीं होंगे। जो लोग अगर आप आधा घंटा भी सुन रहे हैं, घंटा भी उस प्रेयर को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ काम जबरदस्त तरीके से खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने मोबाइल पर रो डेली 9 से 10 आपको बैठना है और देखो परमेश्वर काम करेगा। और मैंने बताया था आपको, स्क्रीन पर दिखाएंगे कि गुड न्यूज़ है कि हमारी यूएसए के अंदर मिनिस्ट्री खुल चुकी है, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री यूएसए। बोलो हालेलुया। और वहाँ पर प्रेयर टावर शुरू हो चुका है, ये आप देख रहे हैं, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री यूएसए और कैलिफोर्निया। प्रेयर टावर भी खुल चुका है और अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ब्रांच भी खुलेगी, लोग वहां पर जाया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की, सारे बोले हालेलुया हालेलुया। और एक ने कल ही फोन किया, हमारा यूके प्रेयर टावर खुल चुका है और 10 दिन के अंदर लोग उस स्थान पर ब्रांच खुलने के लिए जा रही है, आप वहां पर जाया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैंने कहा था मैं आपको गुड न्यूज दूंगा, बहुत सारी अपने रिश्तेदारों को बताऊं, और परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। और गुरदासपुर वालों तैयार हो जाओ, आपके वहां पर ब्रांच खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि 10 दिन के अंदर वहां गुरदासपुर की तैयारी करो यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर है, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन मैंने इसलिए ब्रांचें खोली हैं क्योंकि बहुत सारे लोग चर्च में दूर जाने के कारण रह जाते हैं। जब आप उस ब्रांच में जाएंगे परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। बोलो हालेलुया। जब आप ऑनलाइन वहां से देखेंगे परमेश्वर काम करेगा। देखो सारी जगह हो रहा है कि नहीं, अगर आपका दिल नहीं लगता है तो एक संडे इधर आ जाया करो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। बोलो हालेलुया। और मैं महीने में एक संडे अपने ब्रांच में जाया करूंगा, सारी ब्रांचों में जाया करूंगा, क्योंकि मेरे पास हेलीकॉप्टर आने वाला है। आमेन। अब आपको समझ में आ गया प्रॉफिट बजिंदर हेलीकॉप्टर इतने सालों से क्यों मांग रहा था, मांग रहा था कि नहीं? तो ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं आप भी मांग सकते हैं, आप भी मांग सकते हैं। आपका विश्वास छोटा है तो आप मांगो, बड़ा है तो बड़ा मांगो। मांगोगे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोला मैं भी मोपेड लेवांगी, मैं भी टूटी हुई स्कूटर लेवांगी। बोलो अपने पड़ोसी को, आपका विश्वास जैसा है अपने फेथ को चौड़ा कर लो आज, अपने फेथ को चौड़ा करो। चार चामीन बोल कर आज आमेन हालेलुया बोल कर चौड़ा करो अपने फेथ को। मैं कराऊं कि तुम नहीं कुछ कर पा रहे थे, करोगे आज यीशु मसीह के नाम में। और एक और गुड न्यूज दे रहा हूं आपको, मैं गुड न्यूज दे रहा हूं कि ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री यूएसए, ये सिर्फ ये नहीं है कि खाली मैं ही जा सकता हूं वहां पर, जो मेरे चर्च के मेंबर हैं, जो साल पुराने हो गए हैं, उनकी टिकट फ्री होगी वहां पर यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। भले मैं आपसे टिकट ले लूं, लेकिन पर वीजा आसानी से नहीं लगता, कितने लोगों को पता है। कह रहे मेरी मिनिस्ट्री आपको ब्लेस करेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रभु की महिमा करेंगे और बीज बोएंगे। जल्दी से शाबाश, अपने बीज को बोएं, जिन्होंने अपने हाथों में उठाया अपने बीज बोएं। बिना बीज के मैं कह रहा हूं कि कभी कोई लोग आशीष नहीं पा सकते। गरीब रहते हैं वो व्यक्ति जो बीज नहीं बोता। जो ऑनलाइन चर्च मैं देखता हूं, बहुत सारे लोग गुप्त बीज बो रहे हैं और परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है। हमारे मिनिस्ट्री के अकाउंट्स को आप देख सकते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने 3 दिन लगातार बीज बोया और उस दिन से आप देख रहे हो कि लगातार यहां पर गवाहियां और चर्च में ऑनलाइन गवाहियां आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और गाओ।